पब्लिक टीवी आपकी आवाज। IHGF दिल्ली मेला ऑटम 2022 का शुक्रवार को शुभारंभ हो गया। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में ये मेला 18 अक्टूबर तक चलेगा। मेले में 16 हॉल और 900 स्थायी स्टॉलों में निर्यातकों ने अपने सामानों का प्रदर्शन किया। मेले का शुभारंभ कपड़ा मंत्रालय के सचिव UP सिंह सचिव ने किया। कहा कि ये मंच जमीनी स्तर पर हस्तशिल्प क्षेत्र को विकसित कर रहा है। भारत का हस्तशिल्प और हस्तशिल्प शिल्प क्षेत्र एक बहुत बड़ा खजाना है। इसमें से बहुत कुछ तो विदेशी बाजार में पहुंच गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसके लाभ से दुनिया अभी परिचित नहीं है। मेले में होम लाइफ स्टाइल फैशन वस्त्र और फर्नीचर के लिए 3000 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं, जो अपने उत्पादों को 12 परिभाषित श्रेणियों में प्रदर्शित कर रहे हैं। APCH के अध्यक्ष राजकुमार मल्होत्रा ने कहा, ये एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा बिजनेस इवेंट है, जिसमें कई प्रसिद्ध निर्यात घरानों से लाइफ स्टाइल, होम डेकोर, फर्नीचर, फर्निशिंग और एक्सेसरीज का एक बड़ा स्पेक्ट्रम शामिल है। APCH के महानिदेशक राकेश कुमार ने कहा कि आज के तेजी से बदलते सूचना और प्रौद्योगिकी के समय में निर्यातकों को अच्छी तरह से सूचित, तैयार कर और अपडेट रखने के लिए हमने हाउ बेस्ट कैन बी यूटिलाइज्ड, अच्छी तरह से सूचित तैयार करने के लिए एक पैनल चर्चा रखी है। APCH के उपाध्यक्ष कमल सोनी ने बताया कि मेले के लिए 90 से अधिक देशों के विदेशी खरीदारों ने पंजीकरण कराया। स्वागत समिति के अध्यक्ष अवधेश अग्रवाल ने कहा कि मेले का निरंतर विकास टीमवर्क, आयोजकों के दृढ़ प्रयासों का परिणाम है। Handicrafts, cards, furniture, furnishings, so many, many different things, yeah. Yeah, I've been coming to every fair since the very beginning, so I'm probably one of the oldest buyers coming to the fair, so I've been coming since Brigatti Maiden days, so a long time, yeah. I mean, the fair changes all the time and, you know, everything is becoming, the displays are much, much better than they were years ago. People are becoming much more kind of aware of how important it is to have nice displays to welcome people. देखिए, हस्तशिल्प मेले के अंदर 2050 तो हमारे अलग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तकरीबन 1000 करीब हमारे परमानेंट शोरूम है जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अबाउट इनकी संख्या करीब 3000 के पार है और आज से ये मेला शुरू हो गया है। इस मेले के अंदर बिल्कुल एक नया लुक दिख रहा है आज, जो आपने देखा भी होगा कि हर तरह के बायर, इतनी ज़बरदस्त तरीके से भीड़ है, बायर की आमद हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा हो गई है। आज जो बायर्स आए हैं, पिछले जो कोविड काल के बाद कितने प्रतिशत बायर्स बढ़े हैं अभी? देखिए, आपको पता होगा दुनिया के अंदर कहीं भी इस तरह से अभी तक फेयर नहीं हुए थे, जो कि चाइना में फेयर होता था, चाइना का फेयर भी बंद है। तो सारे बायरों की निगाह सिर्फ हिंदुस्तान के ऊपर लगी हुई है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो इस बार पूरा होने जा रहा है कि विश्व गुरु के ओर हम बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हस्तशिल्प मेला दुनिया में सबसे बड़ा मेला, ना कि यूरोप एशिया का सबसे बड़ा, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला ये यहाँ पर जो ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। कितने बायर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है? देखिए, आज करीबन 3000 से ज़्यादा बायर ने रजिस्ट्रेशन कराया है, क्योंकि रात फ्लाइट आई है, लोग थके हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो संख्या है वो करीब 5000 से पार हो जाएगी। क्या उम्मीद है इस बार, जो पूरा मेला जब समाप्त होगा तो क्या उम्मीद है, कितना बिजनेस आएगा? देखिए, इस बार जो बिजनेस है, जितने भी बायर हैं, आपने देखा होगा जगह जगह हर बूथ के अंदर बायर हैं, वो सीरियस बायर हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से ऑर्डर दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, आज पहला दिन है, अभी हमारे पास 4 दिन बाकी हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो पिछला जो हमारे पास कोविड से पहले जो ऑर्डर होते थे उससे भी कई 3 गुना करीब, मुझे उम्मीद है कि 10,000 करोड़ के आसपास हमारा ऑर्डर हो जाएगा इंक्वायरी समय।